আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি কলকাতার ঐতিহ্যশালী জিপিওতে। আপনারা জানেন যে 7 থেকে 11 অক্টোবর পর্যন্ত পোস্টাল ডে, ন্যাশনাল পোস্টাল ডে কিন্তু পালিত হচ্ছে এবং সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুজো কিন্তু মানে শারদীয় উৎসব চলছে এবং এর মধ্যেই কিন্তু যেহেতু এই পোস্টাল যে উইক, সেই পোস্টাল উইক যে পালিত হচ্ছে সেই জন্য এখানে কিন্তু সাজো সাজো রব এবং এখানে কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং একই সঙ্গে এখানে কিন্তু কেক কাটার, অর্থাৎ এই পোস্টাল উইককে পালন করার জন্য, সেলিব্রেট করার জন্য এখানে কিন্তু কেক কাটিংয়েরও কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে। চলুন আমরা দেখে নেব সেই ছবি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই কিন্তু এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন নীরজ কুমার, আইপিওএস চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল, এবং উপস্থিত রয়েছেন সুপ্রিয় দাস, আইপিওএস, এবং একই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট এস কে ঘরাই। नदी नहीं जहाँ डुबकी हजार बार है, ज्ञान की गंगा बस वही परम से चरकती है, पतित को पावन तो बस उसी की याद से होती है। क्या आपने किया वो याद और सजाया है मन के इस महल को, तभी तो बाहर आएगी सजेगी प्रकृति, सुंदर बनेगी हर दिशा और हर दिल से आह्वान निकलेगी। Our Sister Minister, our Postmaster Chef,
Postmaster General sir. So, and we are very much honored that our Chief Postmaster General sir, Postmaster General sir and Excellent sir, they have given their precious time to celebrate this Men's Day. And on behalf of department, we are also thankful. And the things I would like to tell you, that please do your duty properly, carefully. And our motto is a parcel business counter, that is, today it has been inaugurated by our Chief Postmaster General sir, and we are receiving, because of your assurance we are receiving, that parcel business growth will definitely will be big and big. आज मेल्स एंड पार्सल डे है और हमारे देश में पोस्टल वीक, नेशनल पोस्टल वीक मनाया जा रहा है। ये समय है जब हम सारे देशवासी एक बार थोड़ा रुक के और डाकघर जो सेवा करता है, लोगों को जोड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। और जितने भी डाकघर के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी इस बात का फिर से एक प्रण करते हैं कि हम कैसे बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। और ये कितना सुखद संयोग है कि जब दुर्गा पूजा भी चल रहा है साथ में और नेशनल पोस्टल वीक भी चल रहा है, तो ये जो चारों तरफ उत्सव और उल्लास का माहौल है, इसमें हम ये कामना करते हैं कि अच्छा करने की शक्ति सब में हो और लोगों को जोड़ने की शक्ति हम सब में हो। इसी शुभकामना के साथ आज हम ये मेल्स और पार्सल डे मना रहे हैं। ये जो समय के मुताबिक बदलने का जो रेजोल्यूशन है, वो अब हमारी संस्कृति का एक अंग बन चुका है। और आज ही हमने एक कन्वेयर बेल्ट का भी की भी शुरुआत की, जहां डाक की गाड़ियों से जो डाक के थैले हैं उनकी लदाई ऑटोमेटिक तरीके से हो सकती है। उसी प्रकार से जो हमारा सॉर्टिंग सेंटर है नवोदिगंतों में, वहां भी एक विराट यंत्र लगा हुआ है जिसे ऑटोमेटिक तरीके से पार्सल की सॉर्टिंग होती है। इस तरह से हमारे जितने भी हमारे दफ्तर हैं और हमारे जो यूनिट्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। और मुझे कहने में काफ़ी गर्व है कि आज जो समय की मांग है, उसके हिसाब से डाक जो घर है उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि लोगों की जो बढ़ती ज़रूरतें हैं, अपेक्षाएं हैं, ई कॉमर्स के दौर में पार्सल की जो लोगों की रिक्वायरमेंट हैं, तो लोगों को पार्सल जल्दी पहुंचा सकें और सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकें, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही तो हमारा फिलॉसफी है, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने की जो शुरुआत है वो हमारे अंदर भी, संगठन के अंदर भी होनी चाहिए। तो और यहाँ आके मुझे बहुत ही आनंद आता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। लोग इतना मेहनत करते हैं और मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, इनके बीच आकर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है।